बुआ को भी लाओ। साइकिल पे आ गया और हेलो पापा पापा जी क्लास चलाते थे जी मेरी क्लास क्यों चलाया आपने वहां बैठ के पढ़ ले देखो मेरी क्लास दे दो पापा जी को मिलाओ फोन मिलाइए फोन पापा जी को जल्दी दे पापा मम्मा आए मम्मा आओ दादी चा मिनी चिज्जी तो मंगा ले बुआ पे पापा भी चिज्जी तो मंगा ले क्या क्या चिज्जी खाएगा चिप्स और अमरूद केले दे दे एप्पल बनाना मामा और आप भी आओ आप कब आओगे। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए मौसम का नज़ारा। आजकल हम आपको और तो कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि घर से बाहर नहीं जा सकते और यही सब दिखा सकते हैं तो इसलिए आपको देहरादून का जो है अभी धूप थी बहुत तेज और अभी भी सूरज है थोड़ा सा। ये देखिए आपको शायद दिख भी रहा होगा देखिए लेकिन अभी जो है बादल से ढक चुका है सूरज पूरी तरह से। और आज मैंने रसोई क्लीन की थी और उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंच गई होगी और अभी जो है मैं छत पे आ गई थी क्योंकि बाहर नहीं जा सकते कहीं भी और इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा चलो छत पे ही चले जाते हैं छत पे ही घूम लेते हैं थोड़ा सा। घर में लेटे लेटे भी कब तक इंसान लेट पाएगा। और ये देखो व्यू दिखाऊं मैं आपको ये देखिए पीछे मेरे आज सैटरडे है और सैटरडे में तो लॉकडाउन रहता है सब चीज़ें बंद हैं बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही खुली हुई है चीज़ यानी दुकानें जो ज़रूरत की हैं वही खुली हुई हैं। और इधर से बारिश आने वाली है बहुत बढ़िया वाली आएगी। कल भी बारिश थी सुबह से धूप थी वैसे सुबह से खुला हुआ था सुबह से कोई मौसम बिल्कुल साफ था ये अचानक से ही ऐसे हुआ। कपड़े धुलने थे मुझे नहीं धुले आज कल लगाऊंगी मशीन और आज नहीं धुले मैंने कपड़े। तो अभी छत पे आए हैं घूमने थोड़ा बहुत। श्रेया भी पढ़ रही है मैं ही आई थी क्योंकि नीचे मन नहीं लग रहा था थोड़ा सा मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं घूमते फिरते हैं थोड़ा सा। बारिश आ गई तो फिर वैसे भी नहीं घूमा जाएगा और कहाँ जाएँ क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस थोड़ा अपना यही है घर में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल घूमना फिरना भी बहुत हो रहा था हम लोगों का एकदम से ब्रेक लग गया। चलो कोई बात नहीं सब कुछ सही हो जाएगा फिर से घूमना फिरना तो फिर से स्टार्ट होगा। जान है जहान है अगर जान ही नहीं रही तो क्या होगा। इसलिए से यहाँ आई थी सब लोग छतों पे भी बहुत कम आ रहे हैं लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं ऐसा हो गया है कि सुनसान। बस जिन जो बहुत ज़रूरी काम है वो ही काम चल रहे हैं फालतू का कोई काम नहीं है। चलिए थोड़ा सा आपको उधर का व्यू दिखाती हूँ ये देखिए। और ये ना गैस गोदाम है हमारे घर के बिल्कुल पास में ही ये जो सामने दिख रहा है आपको
ये गैस गोदाम है। अभी आपको एक गाड़ी भी दिख रही होगी गैस को सिलेंडर की खड़े हुए, ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई है और ये गैस गोदाम है। गैस गोदाम के पास ही हमारा घर है और ये जो है सामने दिख रहा है दिव्य ज्योति संस्थान, ये दिव्य ज्योति संस्थान है, सत्संग भवन है और ये भी मेरे घर के पास ही है। और ये देखिए आप व्यू देखिए यहाँ का, ये देखिए पूरे काले काले बादल ऐसे, अभी बारिश आएगी भयंकर वाली। और ये हमारे बैक में जो है घर, ये घर है, इसमें ये जो है आम अमरूद और लीची ये सब लगे हुए हैं। यहाँ दूसरे घर में अमरूद लगे हुए हैं। यहाँ पर सबके यहाँ आपको इसी तरीके से मिलेगा देखने को कि घर के अंदर जो है ऐसे जो खाली पोर्शन होता है पीछे का बैक का, वहाँ ये सब लगा होता है। क्यों हुआ, क्या हुआ श्रेया? श्रेया को चाहिए फोन। हेलो बेटा, हेलो गुन्नू, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं श्रेया? मैं तो अब ऊपर घूमूंगी 6 बजे। एक्सरसाइज करेंगे? नहीं घूमेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और बारिश आने वाली है, बादल बहुत तेज हो रहे हैं। घूमूंगी। श्रेया मेरे को कराएगी एक्सरसाइज, है ना? कराओगी? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी श्रेया यहाँ सो रही थी और वो कंबल भी ऐसे पड़ा हुआ है। आज हमारी बुक की रैक यहाँ आ गई है बाहर से और बहुत सारा काम किया है आज। श्रेया ने कुछ नहीं कराया है ना श्रेया? बिल्कुल, मैं तो क्लास करते करते करा। ये देखो श्रेया के नेल्स, ये जब भी इसको टाइम मिलता है ये नहीं कि मम्मा की हेल्प कर ले, फिर ये करती है। ये देखो नेल आर्ट बड़ा है कि मैंने ऐसे। देखो मेरे मेरे देखो श्रेया के देखो और कुणाल के देखो। कुणाल अंदर रह रहे के बिल्कुल सफेद हो गया। व्हाट हैपेंड बेबी? बेबी मैं नहीं हूँ, बेबी मेरी बुआ है। बेबी है इनकी बुआ, हमारी रियल सिस्टर इन लॉ। उनका नाम है मेरी, मतलब मेरी तो हमारी हुई ना, मेरी और दीदी की। चलो कुछ भी है, मेरी ठीक है, मेरी सिस्टर इन लॉ बेबी। वैसे उनका नाम ना बबीता है, घर में सब बेबी कहते हैं। वो मुजफ्फरनगर रहती हैं, उसी दर्द हो गया मेरे बच्चे को पढ़ते पढ़ते, मेरे सोने बेबी के पढ़ते पढ़ते। क्या करना है, क्या खाना है, खाना है कुछ? मेरे को बेचारी, ये बेचारे पढ़ाई के मारे यहाँ है ही इसलिए कि पढ़ लें, नहीं तो लॉकडाउन है, गांव भी जा सकते थे, गांव में पढ़ाई नहीं होती इस वजह से नहीं गए। यहाँ ये ना पढ़ लेंगे, जो भी है हमारा तो जो है सो है, पर इनकी पढ़ाई हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जो मैंने स्टार्टिंग में क्लिप डाली है वो मेरा छोटा भतीजा है, ये उसकी क्लिप है। उसे हमारी याद आ रही थी, वो हमें बुला रहा था फ़ोन पे, तो ये भाभी ने शूट करके भेज दी तो मैंने डाल दी, अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ लपसी। ये मैंने आटा भून लिया है जैसे कसार के लिए भूनते हैं, और एक तरफ ये शक्कर को गर्म पानी में घोल लिया है, यानी कि इसको खद्दा लगा लिया है और हल्का सा ठंडा किया है सिर्फ, और आटा भून करके इसमें इस तरीके से मिला देते हैं और इसको फिर ना घी के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है।
और ये इसको हम लपसी बोलते हैं। और ये दोपहर में बनाई, दोपहर के बाद बनाई थी यानी। और ये शाम का टाइम है अभी जो है, मैं दूध गर्म कर रहे हैं, ये श्रेया ने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। और मैं अभी बर्तन करूँगी साफ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन वो रखे थे और ये यहाँ से जो है पानी इकट्ठा हो जाता है टोकरे के नीचे, वो भी साफ़ करना पड़ता है। और इसको टोकरों को भी अच्छे से धुल दिया है मैंने। और अब जो है, वैसे तो मेरी जो मेड है वो करती रहती है इसको साफ़, गंदा नहीं होने देती, वो दूसरे तीसरे दिन इसको साफ़ कर देती है, उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से सारा काम कर देती है। और यहाँ जो है बर्तन कर रही हूँ मैं, बर्तन करने के बाद फिर थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। ये यहाँ पर शाम का टाइम है और शाम के टाइम कुणाल और श्रेया, श्रेया को बोला उसके पापा ने कि कुछ बना लो, तो ये यहाँ पर बर्गर बनाने जा रही है, वेज बर्गर। तो अभी तो पहले डिसाइड ही कर रही थी क्या करना है, और कुणाल काट रहा है बंद, और ये बंद लेके आया था अभी जब दूध लेने गया था, दूध लेने यही जा रहा है आजकल, और आकर के फिर अच्छे से हैंड वॉश कर लेता है और अच्छे से मतलब सैनिटाइज कर लेता है अपने आप को, धुल लेता है पैर वैर भी। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर, क्योंकि पूरा दिन तो पढ़ा भी नहीं जाता है और इस टाइम थोड़ा सा आ करके इसको लगता भी है कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ खाना है, तो ये खुद बना लेती है यहाँ पर। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ अपनी टी, क्योंकि शाम के टाइम भी मैं पीती हूँ टी, सुबह शाम दो टाइम पीती हूँ, वैसे तो तीन टाइम पीना होता है, लेकिन अभी मैं दो ही टाइम पी रही हूँ। और यहाँ मैं अपनी टी बनाने आई थी और ये सब कह रहे थे कि, ये दोनों कह रहे थे रिकॉर्ड मत करो, और मैंने फिर भी कर लिया। और यहाँ पर ये देखिए मज़े आ रहे हैं इसके, तो यहाँ दोनों बहन भाई एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और बर्गर बना रहे हैं, बहुत अच्छे बर्गर बनाए थे श्रेया ने, इसके पापा को भी बहुत पसंद आए हैं, क्योंकि उनको हम ज़्यादा चिकनाई विकनाई नहीं दे सकते, इसलिए उनका इसी तरीके से कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। और यहाँ ये देखिए, ये मैंने अपनी टी बना ली है और ये दोनों लगे पड़े हुए हैं यहाँ पर बनाने के लिए, और मेरी छुट्टी है, मैं जा रही हूँ अभी टी पीने। और यहाँ फिर समझ लो, कोरोना में मज़े आ रहे हैं, मज़े तो नहीं आ रहे, तो थोड़े थोड़े स्कूल के मज़े, ये देखो टफी भी घूम रहा है इधर, टफी को खिला रहा है चीकू, और ये दोनों यहाँ डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये देखो टफी के साथ फुल मस्ती, हाँ बच्चे तो बच्चे, टफी भी डरता है। चिकू आज पूरा दिन नाइट सूट में ही है, चिकू आज पूरा दिन से नाइट सूट में है ना चिकू, चलो करो। ये देखिए श्रेया सुहाना को डांस सिखा रही है, कौन सा गाना है ये, हाँ करो 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 करो। मैं ये देखिए नाइट में ये वाला ये व्यू दिखता है, ये मसूरी की लाइटें दिख रही हैं आपको ना सामने ऊपर की साइड पहाड़ों में।
दोनों बढ़ रहा है तो मास्क जरूरी है। हाँ जरूरी है, मुझे लग भी रहा है तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ नजला हो रहा है ना थोड़ा सा, ना वो कोल्ड हो गया था, अब तो ठीक हो गया, स्टीम दे रही हूँ ना। अच्छा। बस थोड़ी सी नाक बंद तो इस मास्क ऊपर कर लो।